ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम श्योर जी एवरीबॉडी इज फाइन। आप सब ठीक हैं, फेलो ऑफिस हैं और स्क्रीन आपके पास में वो विजिबल है। अच्छा, ऑनरेबल पार्टिसिपेंट, हमने इस्लामिक स्टडीज पे काफ़ी जो है वो डिटेल से चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर भी चुके थे। अब इसमें जो है यहाँ से ना ये कुछ वर्सेस हैं होली कुरान की टॉपिक वाइज ना, जैसा कि ये हमारे पास है टॉपिक है जी, टॉपिक हमारे पास है पुराने पाक का टॉपिक जो है ये वाला टॉपिक है। अब ये वाला टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितनी भी आयात हैं, आयात बेसिकली निकाली गई हैं लेकिन आप इनका तर्जमा जो है वो लिख सकते हैं। और आसान आसान सी छोटी छोटी सी आयात हैं, बड़ी याद रहते हैं तो बगैर जेर जबर के जो है वो आप पढ़ सकते हैं। जालिकल किताबुल अरैब फी है, इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। ठीक है, तो हमारे पास ये छोटी छोटी सी आयात हैं और बड़ी जो आयात हैं उनका जो है वो यहाँ पे तर्जमा ऐड कर दिया गया। ठीक है, तर्जमा इसको ऐड कर दिया गया ताकि आप लोगों को जो है वो पता चल जाए कि ये वाली अगर आयत नहीं याद करनी तो हमने इसको डिटेल से इस तरह से याद कर सकते हैं। इसी तरह से अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास उलूम कुरान या इस्लाम और साइंस जो है वो ये वाला हो सकता है। ठीक है, इसमें जब आप टॉपिक लिखेंगे तो ये वाले जो पेजेस हैं ना, तो 10 के करीब पेजेस हैं, तो फिर इनको जो है वो आयात को या आप इनकी सूरतें जो है वो अगर हो सके बगैर जेर जबर के, जो छोटी छोटी सी हैं खलकना लहु मिन मिस्लिही मा यरकबून, ऐसी छोटी छोटी आयात जो है वो इनको आप याद कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो है वो हमारे लिए काफी आसान रहेगा। टॉपिक वाइज जो है सारी की सारी डिटेल्स जो है वो हमने निकाली हुई है, तो इनको कैसे कोशिश करेंगे कि आप जो है प्रिंट आउट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। इस्लामिक दीन है, ठीक है, इन दीन इंद अल्लाह सलाम, ठीक है, कि अल्लाह तआला के लिए जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम ही है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जितनी भी आयात हैं जो कि आपने टॉपिक वाइज ऐड करनी है उनको एक ही जगह पे जो है वो निकाल दिया गया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है। इंसान का टॉपिक है, इंसान और दीन है, तो ये सारी की सारी जो आयात हैं ये निकाल दी गई हैं और इनको जो है वो मेंशन किया गया है। ठीक है, आई एम श्योर कि ये एक्टिविटी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आई एम श्योर कि इससे जो है काफी आसानी मिलेगी आप लोगों को, आपको काफी जो है समझने में भी आसानी होगी कि तसव्वुरे उम्मत जो है वो क्या है, सारी की सारी चीजें जी ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है और वहीं पे है, ऑलरेडी अपडेट की हुई है ये लिंक सब। वहाँ पे आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो वहाँ पे मिल भी जाएगा। अच्छा जी, तो ये मुझे यकीन है कि हमें हेल्प आउट करेगा कि आपके नंबर जो हैं वो सारे के सारे अच्छे लाने में। मैं महसूस कर रहा था कि आप लोग जो हैं आयात जो हैं वो याद करने में मसला होता है, तो जो टॉपिक जो हैं वो मोस्ट रिकरिंग टॉपिक है, बार बार आ रहे हैं, उनको जो है वो निकाल दिया गया है, एक ही जगह पे वो कर दिया गया है। आसान आयात जो है वो निकाली है ताकि आप लोग जो है वो इन्हें आसानी से याद कर सकें। ठीक है, टेररिज्म वर्सेस जहाद है, बड़ा इन टॉपिक है, जिहाद के ऊपर है, और आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो सर्च में जाके वो टॉपिक का नाम लिखेंगे तो आपको जो है वो इसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगे। ये जी हमारे पास जो है ये सारी की सारी फाइल है, इसे क्लास एंड पे आप लोग ने उस दफा देख लीजिएगा, हाईली इम्पोर्टेंट रिकमेंडेड वर्सेस ऑफ इस्लाम। अब जी हमारे पास टॉपिक है कि इस्लामी इबादात के रूहानी समाजी और अखलाकी असरात क्या होते हैं। देखिए, जब हम इबादात की बात करते हैं, इस इबादत के स्पिरिचुअल क्या है, सोशल क्या है, मॉरल इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक वर्शिप क्या है, वही जी तारीफ से शुरू करेंगे। आप तारीफ लिखेंगे, इबादत के माने लिखेंगे, तसव्वुर लिखेंगे, इबादत के तसव्वुरात लिखेंगे कि इस्लाम में क्या है और दूसरे मजहब में क्या है, इबादत और इस्लाम तरीके है इबादत, ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, ये आउटलाइन आपकी मुख्तलिफ हो सकती है, वेरी कर सकते हैं। अब जी तारीफ है, इस्लाम जो है वो उसमें हर मजहब जो है वो इबादत डिमांड करता है, इस्लाम भी जो है वो इबादत का हुक्म देता है। इनफैक्ट अल्लाह तआला की ज़ात ने फरमाया कि हमने जो है जब इंसानों को पैदा किया तो उसके दो ही मकासद थे, एक इबादत और दूसरा इंसानों के लिए एहसानी पैदा करना। ठीक है,
वो इकबाल का एक शेर भी है ना, जैसे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो उसमें एक मकसद ये भी था। इस्लामी तरीके इबादत से रूह को तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है। इबादत की वजह से मुसलमान का उड़ना और बिछोना सब अलग अलग ही रजा और खुशनुदी के असूल के लिए होता है। इस्लाम ने इबादत का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि किसी भी इंसान की, किसी पीर की, किसी फकीर की, किसी दाता की, किसी बाबा की जो है वो खुशनुदी आ सके। इस्लाम में ये तसव्वुर है कि आप सिर्फ उसी सूरत में जो है वो इबादत करें जब आपको अलग अलग की रजा और खुशनुदी हासिल करनी है। अब इबादत लफ्ज का मानी क्या होता है? लफ्ज इबादत जो है वो हमारे पास निकला है नस्र, यंसर, नस्र। ये जो है वो अल्फाज क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह की परस्तिश करना, खिदमत करना, खशू व खशू करना। इबादत के इस तरह से हजूर वाला दो तसव्वुरात हैं। जब इंसान वजूद में आया दो तरह की इबादत पाई जाती है। एक है जाहली तसव्वुर इबादत। जाहली क्या है? कि जाहली लोग जो हैं वो सिर्फ पूजा पाठ करेंगे। ये सिर्फ जिंदा जो हमारे पास हिंदू हैं बुतों की पूजा करते हैं वही जाहली तसव्वुर इबादत नहीं है, बल हकीकत वो भी जो है हमारे पास एक जाली तसव्वुर इबादत में आता है जब नपुख्ता लोग जो हैं किसी बाबे के किसी तसव्वुर से नजराने किसी को पेश करते हैं। दूसरी हमारे पास है राहबाना तसव्वुर इबादत। राहबाना क्या है? राहबाना से मुराद है जो राहब होते हैं। राहब कौन होते हैं? जो दुनिया को छोड़ देते हैं और मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला की जात। जब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अपने नफ्स को परे रखते हैं, जैसे कि सूफिया कराम है। सूफिया कराम जो है वो मोहब्बत करते हैं, वो रहबाना मोहब्बत होती है। अपने तरीके कार से, रियाजत से वो आखिरी जिंदगी में निजात हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। ये तसव्वुर रहबाना बुनियादों पर है। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रहबाना में ये लोग मजहब को बिल्कुल दुनिया से अलहदा कर लेते हैं। ये कहते हैं जैसे बाबा फरीद था, आपने देखा कि बाबा फरीद ने कहते हैं कि 12 साल जंगलों में गुजार दिए। जब उनका एक शेर भी है ना, फरीदा जंगल जंगल क्या भोरे, ठीक है, और दूसरा रोटी मेरी काट की लावन मेरी भूख। वो सब के सब क्या है? उन्होंने सोचा कि दुनिया मुझे चाहिए नहीं है, ये है राहबाना। ठीक है, मजहब को जो है वो प्रेफर किया और दूसरे को बिल्कुल साइड पर कर दिया। अब इस्लामी इबादत और दूसरा मजहब कौन कौन सा है? दुनिया में हर जगह हमेशा ही किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रंग में इबादत का तस्वुर मौजूद रहा। ग्रीको रोमन में जो यूनानी हुआ करते थे, अब हमारे पास एक नाम आता है एसिकलीज का नाम आता है, सोफोकलीज का नाम आता है। ये लोग तो अपने बेटे बेटियों को, यूनानी जो थे जो ग्रीक थे, ये उनको कुर्बान कर दिया करते थे। दे यूज टू ऑल्टर देयर सन्स एंड डॉटर्स फॉर द गॉड जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू प्लीज देयर गॉड। तो हमारे पास जो है इबादत एक खुदा की भी होती थी और कई देवी देवताओं की भी होती थी। पारसी जो है वो आग की इबादत करते थे, कहीं सांप को देवता बना दिया जाता था। तो इस तरह से इबादत जो है वो हर बंदा अपने ढंग से अपनी अपनी सोच से इबादत पे लगा हुआ था। लेकिन इबादत है क्या? यही इबादत है कि हर बंदा अपनी अपनी सोच के मुताबिक जो है वो लगा रहे, या इबादत कुछ और है? इबादत के जमन में कुछ जो है वो हमें ख्याल रखना पड़े। देखिए, इबादत समझने के लिए कि आखिर इबादत है क्या, क्या रहबाना तसव्वुर जंगलों में चले जाएं वो इबादत है, क्या पूजा पाठ कर लें मूर्ति बना लें वो इबादत है, इबादत है क्या, इबादत किस तरह से जो है वो काम करना है? देखिए, इबादत जो है वो सबसे पहले चंद मखसूस अफआल की अदायगी का तसव्वुर। कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ मखसूस अफ़ाल की अदायगी हम करेंगे तो वही इबादत है। जैसे किसी पीर के सामने, किसी फकीर के सामने बड़ी ताज़ीमी अंदाज में बैठना, कुर्बानी या भेंट चढ़ाना, या जिंदगी को उस पीर के तरीके के मुताबिक गुजार देना, वो हमारे पास क्या है? अफ़ाल की अदायगी। कि ये करेंगे तो पीर जी खुश होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से ऐसे फिरकाजात हैं, बहुत से ऐसे मौलवी हजरात हैं, वो आपको नाचते नजर आएंगे। ठीक है, मिलाद के मौकों पर, बाकी मौकों पर वो म्यूजिक भी चल रहा होगा। वो ये समझते हैं कि इसी का नाम इबादत।
अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में फरमाते हैं, ये कुफारे मक्का इनकी इबादत अल्लाह के काबा के गिर्द जो है वो सिवाय नाच गाने और चीटियां मारने के अलावा कुछ ना था। तो ये भी वो अपने नजदीक इबादत समझते थे, उनका तसव्वुर था। एक तसव्वुर तो ये पाया जाता है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जिक्र मुराकबा गोशी गोशी नशीन इख्तियार कर लेते हैं। इसका मतलब ये कि वो बिल्कुल दुनिया से ताल्लुक खत्म कर देते हैं और समझते हैं ये इबादत है, ये एक तरह की इबादत वो समझते हैं, ये दूसरा तसव्वुर है। तीसरे, इसमें क्रिश्चियनिटी भी शामिल है। ईसाइत मजहब के अंदर जो है कुछ खवातीन होती हैं, वो सेक्सुअल लाइफ को अपनी शादीशुदा जिंदगी को हर तरह से खैरबाद कह देती हैं और उन्हें जो है वो नन कहा जाता है। एंड व्हाट इज द रीजन, दे फील कि ये उनकी इबादत है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे तजर्बा खुद अजियती का तस्वुर। कुछ मजाहब ऐसे हैं जिसमें वो इंसान कोई गुनाह करता है तो वो खुद अपने आप को सजा देता है, जंजीरों में जकड़ लेता है। जैसे हमारे यहाँ शिया हजरात हैं, वो फील करते हैं कि जब जो है वो जंजीरों में खुद को जितना मारेंगे, जितना गहरा जख्म देंगे, उतना जो है वो इबादत है, उतना जो है वो ज्यादा उनकी मोहब्बत जो है वो समझी जाएगी। कि अहले बैत के लिए उन्होंने अपना जो है वो सीना चीर दिया तो अहले बैत उनकी मगफरत करेंगे, वो अल्लाह के करीब होंगे, जो उनका तसव्वुर है। अभी हम ये नहीं बता रहे कि कौन सही है कौन गलत है। और इस्लाही मुआशरा का तसव्वुर जो है वो कुछ लोगों के नजदीक इबादत ये है कि सिर्फ अच्छे से काम करना, ठीक है, बुराइयों को खत्म करना, अच्छाई को बढ़ावा देना और निजाते कामिल का जरिया बनना, ये सारे के सारे जो है ये भी इस्लाही मुआशरा का तसव्वुर है। तो उनके नजदीक ये इबादत है। जहां पे इतने मुख्तलिफ तसव्वुरात पाए जाते हैं, वहां पे कैसे मुमकिन है कि अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि मैंने आज के दिन तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पे अपनी नियमत पूरी कर दी, ठीक है, और मैंने जो है वो दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया। इस्लाम ने जो इबादत और इस्लाम का तसव्वुर दिया वो बिल्कुल इन तमाम नजरियात से हटके था। इस्लाम एक कामिल है, एक मुकम्मल वसी दीन है, मजहब नहीं है, दीन है। तो ये बहुत वसी और कामिल था। इस्लाम ने क्या कहा, चंद मखसूस अमाल की अदायगी को अहमियत दी। रोजा, नमाज, हज, जुकात और जहाद, ये लाजिम है। अगर जो है इनमें से भी अगर कुछ चीजें मशरूत कर दी कि अगर तुम्हारे पास जो है फंड नहीं है तो नहीं जा सकते, नहीं दे सकते, तो एक्सेप्शन है, बाकी लोगों को बाकी जो है वो तमाम अफाल को लाजिम कर दी। फिर जिक्रो फिक्र मराकबा और गोशा नशीनी को भी तस्लीम कर लिया, लेकिन इसकी भी चंद हदूद कायम कर दी। फरमाया कि अगर तुम सारा दिन सारी रात मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह की इबादत करते रहो और तुम्हारा पड़ोसी जो है वो भूख से मर जाए, अल्लाह को तुम्हारी इबादत और तुम्हारी रियाजत से जो है कोई गर्ज नहीं। जैसे एक जो है वो गोशा नशीनी से एक शख्स था, अल्लाह की बड़ी इबादत किया करता था, बुजुर्गों से ये वाक्या जो है वो रवायत होता है। तो वो इबादत करता रहता था, अल्लाह तआला की दाद जो है उसके उनकी बारगाह में 12 साल तक एक पहाड़ पर बैठा रहा और इबादत करता रहा। अब जब जो है पूछा गया एक अल्लाह तआला की तरफ से, उस बंदे के साथ जो है किसी भी तरह कम्युनिकेशन की गई, जो है कोई ना कोई ख्वाब में जो है उसको ख्वाब आता है कि जो है वो बड़े वली उसके ख्वाब में आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने 12 साल तक अल्लाह की इबादत जो है वो की है, अब मांगो अल्लाह तआला की जात से क्या चाहते हो, तुम क्यों अपने आप को दुनिया से अलग करके अल्लाह तआला की जात से तुम मांगने आए हो, तो वो जात बड़ी गफूर रहीम है, वो जात इंसाफ करने वाली है, तो तुम मांगो क्या मांगते हो। वो कहते हैं जी मैं 12 साल हो गए अल्लाह तआला की इबादत करने के लिए घर से निकला हूँ, तो मैं अल्लाह तआला की जात से अल्लाह का इंसाफ मांगता हूँ, क्या जात मुझसे इंसाफ करे कि दुनिया बाकी सब गुनाहों में मुबतला है और मैं जो है वो तेरी बारगाह में आया हूँ, तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे आप जो है वो दूसरों के मुकाबले में इंसाफ करें और मुझे जो है वो अपनी जो है वो इंसाफ के मुताबिक मुझे अजर दिया जाए। वो वली जो है उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तआला की जात से इंसाफ की जो है वो दुआ नहीं करते, बल्कि अल्लाह के फजल व करम की जो है वो दुआ मांगते हैं। अल्लाह तआला की जात से इंसाफ मांगना इंतहाई बेवकूफ़ी है, वो जात बड़ी गफूर रहीम है, तो तुम
अल्लाह से उनका फजलो करम मांगो, अल्लाह तला की जात से ये मांगो कि अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है अब वो दे मुझे। वो कहता जी नहीं, मैं तो अल्लाह से इंसाफ ही मांगूंगा। फिर जो है वो 2 साल गुजरते हैं, कुछ 14 साल के बाद जो है फिर बुजुर्ग आते हैं, फिर पूछते हैं, फिर कहते हैं जी मैंने तो अल्लाह ताला की जात से इंसाफ ही लेना है। फिर 2 साल गुजरते हैं, 16 साल, फिर वो बुजुर्ग आते हैं और फिर वो कहते हैं जी मुझे तो इंसाफ ही चाहिए। अब की दफा बुजुर्ग कहते हैं कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर जो है वो बुजुर्ग एक दिन ख्वाब में आके बताते हैं कि अल्लाह ताला की जात ने जो है वो इंसाफ कर दिया है, पहाड़ जो है जिसके बैठ के ऊपर बैठ के तुम अल्लाह की इबादत करते हो, उसने अल्लाह के हजूर गिला किया कि अल्लाह इसने 16 साल मेरे ऊपर बैठ के आपकी इबादत की है, अब मैं इसके ऊपर बैठ के इबादत करना चाहता हूँ और इंसाफ के तकाजे पूरे किए हैं। तो अब जो है वो अल्लाह ताला की जात जो है वो फिर पहाड़ को जो है वो हुक्म देगी कल के वो जो है वो तुम्हारे ऊपर बैठ के इबादत करा। तो इस्लाम जो है वो गोशा नशीनी को जो है वो तस्लीम करता है लेकिन हदूद के साथ। अल्लाह सुबहाना व तआला की जात से मांगे जरूर, गोशा नशीनी में मांगे लेकिन फजलो करम मांगे। क्योंकि अगर इंसाफ का तकाजा है तो इसका मतलब यह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला की जात फरमाते हैं कि हमने पहाड़ों को हुक्म दिया, तो इस्लाम की रूह से तो पहाड़ जो हैं उनको वो अल्लाह का हुक्म मानते हैं। इस्लाम की रूह से तो अल्लाह ने पहाड़ों को इसलिए कायम किया कि जमीन के ऊपर जो है वो एक तोज़न बरकरार रखा जा सके। ठीक है, तो इस्लाम ने अजियत पसंदी को सख्त नापसंद किया। इस्लाम इस चीज का कथन हुक्म नहीं देता कि आप अपने आप को जंजीरें मारें, चेने मारें। इस्लाम जो है वो ये चाहता है कि तमाम के तमाम असूल जो हैं उनके ऊपर भी अमल किया जा सके। अल्लाह तआला की जात कुरान पाक में जो है वो फरमाते हैं, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, मैंने जिन्नों और इंसानों को मुखलस इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह सुबहाना व तआला की जात अपनी इबादत के लिए, हमारे पास जो है अल जरियात आयत 56 जो है वो यहाँ से मिल गई है। इसका मतलब ये है, ये वजाहत करती है कि इबादत क्या है, इसकी वसत क्या है। इबादत यही नहीं है तो मुसल्ले के ऊपर बैठ जाए, इबादत का मतलब है कि हर लम्हा अल्लाह ताला की जात जो है वो उससे मांगते हैं। तो तरीके इबादत क्या होगा? इस्लाम की रूह से हर वो चीज इबादत है जो आपकी रूह को सुकून देता है। वालदैन को जो है वो उनकी खिदमत करना सुकून देता है, तो वो जो है अल्लाह ताला की जात जो है उनके नजदीक इबादत है। सरवरे कायनात जो है उन्होंने फरमाया कि ये कोट कीजिएगा कि अपने माँ बाप को जो है वो सुबह मुस्कुरा के देखना इस तरह से है कि अल्लाह ताला की जात एक मबरूक हज का सवाब देता है। मबरूक हज वो जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका होता है। ठीक है, और इसी तरह से फरमाते हैं कि जब इबादत करो, कुछ लोग थे वो इबादत करके बड़ी बहुत अकड़ा के चलते थे, अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, तो वो लोग जो अपनी नमाजों में आजजी इख्तियार करते हैं। तो जो आजजी इख्तियार करते हैं सूरह मोमिनून आयत नंबर 2। चलो अगर कोई गलत करे और अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दे, और अल्लाह नहीं अल्लाह ताला की जात से अल्लाह बेहतर इंतजाम करने वाला है, अल्लाह से अपनी जात के हक में बेहतर फैसले की दुआ करनी चाहिए। तो जो मेरे हक में बेहतर है ए अल्लाह आप वो फैसला कीजिए। अच्छा जी, इबादत के दौरान जो है खशू और खशू जो है वो लाजमी होना चाहिए। इबादत जो है इसको देखना चाहिए कि जब आप इबादत कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ जो है इस तरह से इबादत करें कि जैसे अल्लाह ताला की जात आपको देख रही है या आप अल्लाह ताला की जात को देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके जिस्मों के रोंगटे उसका कलाम पढ़ने से खड़े हो जाते हैं, फिर उनके चमड़े और दिल नरम होकर अल्लाह की जात की तरफ झुक जाते हैं अल्लाह के जिक्र की तरफ। अच्छा, आजकल तो मौलाना साहब जो है वो बड़े बड़े मौलवी जो हैं उनकी इबादतों में शायद वो तरफ बाकी नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई फजल करम नहीं होता, रहमत नहीं होती, रियाकारी शामिल नहीं होनी चाहिए। रियाकारी से क्या मुराद है? वो एक जोक में अक्सर सुनाया करता हूँ। तो एक जनाब आदमी जो है वो नमाज पढ़ रहा था, तो उसका दोस्त उसका तारीफ करवा रहा है कि जनाब ये शाहिद साहब जो हैं बड़े नेक बंदे हैं, अल्लाह के बड़े वली बंदे हैं,
ये लोगों की मदद भी करते हैं चुपके से, लोगों को जो है वो खाना भी खिला देते हैं, और बहुत नेक आदमी हैं। तो वो इसको बता रहे हैं, तो शायद सब नमाज तोड़ के बताते हैं, भाई इनको ये भी बताओ मैंने खाना कहबा का हज भी किया हुआ है, इनको बताओ मेरा नाम हाजी शाहिद है, ठीक है। रियाकारी, रियाकारी का मतलब ये है कि जब आप लोगों को दिखाते हो, लोगों को बताते हो तो भाई मैंने ये भी किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अगर कोई हज किया, आपने कोई चक्कर लगाया खाना काबा का, तो आपको जरूरत नहीं है अपने नाम के साथ हाजी अलहाज लिखने की। आपके कामों से, आपके करतूतों से पता चलना चाहिए कि आप जो है वो अल्लाह ताला की जात जो है वो उसके करीब है, ठीक है। बजाय इसके कि आप अपने नाम के साथ को तो बहुत बड़ा टाइटल ऐड करते चले जाएं, और जबकि आपके अफाल से पता ना चले। जैसे कि हम गैर मुस्लिमों को कहते हैं कि हम बड़े पीसफुल हैं, हम बड़े जो हैं वो हम्बल हैं, हमारे नबी जो हैं वो बहुत ज्यादा पीसफुल थे, तुम लोग गलत करते हो कि हमें टेररिस्ट कहते हो। वो कहता है भाई तुम तो वैसे नहीं हो, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं, तुम तो वैसे नहीं हो ना, तुम पीसफुल हो, तुम्हारा नाम जो है वो करीम होगा लेकिन तुम लोग जो है वो दहशत गर्दी करते हो, तुम्हारा नाम जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू होता है लेकिन तुम लोग धोखा देते हो, तुम लोग चीट करते हो, तुम लोग लोगों को चीट करते हो, ठीक है, तुम लोग बदजुबान हो, तुम लोग जो है वो ये सब काम करते हो। तो रियाकारी हमारी जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए। इस्लाम की बुनियाद और इबादत, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर रखी गई है। पहले तो हमारे पास जो है कि दुआई देना के ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल, नमाज को कायम करना, ज़कात देना और बैतुल्लाह का जो है वो हज करना और रमजान के रोजे रखना। तो ये जो है वो जो काम करता है, इसका मतलब है कि वो जो है सारे के सारे जो है वो इस्लाम के बुनियादी अरकान को पूरा करता है। अच्छा जी, 10-229 को याद रखिएगा, 10-229 या 1-0 है, फिर 229 है, ठीक है, 10-229 है। जो सलात थी, नमाज थी, नमाज 10 नबवी को जो है वो, नमाज 10 नबवी को जो है वो फर्ज हुई थी। फिर 229 है, ज़कात 2 हिजरी को, इसके अलावा हमारे पास रोजे जो है वो 2 हिजरी को, और हज जो है वो 9 हिजरी को। ये वो पूछ लेता होता है शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, तो वहां पे आपने जो है वो 10-229 इबादत का जिक्र जब भी आए तो ये इबादत का कोड है, 10-229 कोड है, ठीक है। जैसे कंट्री कोड होता है ना, पाकिस्तान का +92 है, इंडिया का +91 है, तो इस तरह से इबादत का कोड ये। नमाज के असरात क्या होते हैं, ये आउटलाइन बना लेंगे जी, 6 से 7 पॉइंट लिखेंगे। नमाज जो है अल्लाह ताला की जात है, नमाज को जो इस्लाम ने अहमियत दी है वो किसी अमल को नहीं दिया। इस्लाम के में मतलब ये है नमाज का कि दिन में 5 मरतबा उसके सामने हाजिर हुआ जाए खुशू और खुशू के साथ, और नमाज पढ़ते वक्त जो है कैफियत ये हो कि अल्लाह को आप देख रहे हैं, अगर ये नहीं तो अल्लाह ताला की जात जो है वो आपको देख रहे हैं। अल्लाह ताला की जात जो है वो कुरान पाक में फरमाती है, ठीक है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक सी जो आयात हैं इन्हें कोट करेंगे, मानिए मफहूम क्या है, ये लाजमी है। उर्दू और फारसी में सलात के लिए लफ्ज नमाज इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में, और फारसी में सलात के लिए लफ्ज, यानी कि नमाज जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है, अरबी का जो लफ्ज है वो है सलात, ठीक है, सलात। लेकिन जो है हम लोग उर्दू और फारसी में इसके लिए नमाज इस्तेमाल करते हैं। नमाज बेसिकली जिस्मानी इबादत का नाम है, जब आप जो है वो जिस्मानी तौर पर इबादत करते हैं वो हमारे पास नमाज है। अरबी में इस सलात इसका आमना नहीं है, इसका मतलब ये है दुआ, मगफरत, रहमत और दरूद। नमाज में सारी की सारी बातें आ जाती हैं, इससे नमाज जो है वो ज्यादा मौजू लफ्ज है। शरी लफ्जों में नमाज का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ बढ़ना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। तो नमाज के बारे में अहदीस में बहुत दफा जिक्र आया, फरमाया नमाज तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज रही और बड़ी सख्त किस्म की ताकीद।
में अकामते सलात का बार बार जिक्र आता है। ये फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं, और नमाज कायम करने वालों के लिए जो है अजरो इनाम का जिक्र किया गया। ये आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, सूरह बकरा की आयत नंबर 45। ये आप लोगों के लिए जो है वो सबर में भी और नमाज दोनों के लिए हेल्प आउट करेगी। बस सही न सब्री व सलात, कि नमाज कायम करो और सबर के साथ जो है वो बेसबर और नमाज से अल्लाह की मदद मांगो। ठीक है, चाहे इतनी ही एग्जैक्ट जो है वो याद रखें, बस सही न सब्री व सलात। ठीक है, और इसके अलावा जो है तुम अपनी नमाजों की निगहदाश्त करो, नमाजों का ख्याल रखो। ये छोटी छोटी सी आयात है सूरह बकरा की आयत नंबर 238 है। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो मैं आपके साथ फैक्ट जो है वो शेयर कर देता हूँ। आई एम श्योर के शायद ये आपके नोटिस में आया हो, आपने उसे भेजा हो। सूरह बकरा जो है वो इसमें कुल आयात की तादाद जो है वो 286 है, 236। अगर जो है इसमें से हम ये आखिरी हिस्सा उतार देते हैं, 6 उतार देते हैं, तो इसका मतलब है ये मदनी सूरतें हैं हमारे पास। 28 में है वो मदनी सूरतें हैं। ठीक है, आ जाते हैं ना, मदनी सूरतें कितनी हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं। और अगर जो है वो हम 286 में से ये काट देते हैं तो इसका मतलब है 86 बचता है और ये मक्की सूरतें हैं। ठीक है, ये मक्की सूरतें हैं। और अगर जो है वो हम इन दोनों को जमा करते हैं, यानी कि 28 को जमा करते हैं और 86 को जमा करते हैं, तो ये हमारे पास 114 आ जाता है, जो कि कुल सूरतों की तादाद है। याद हो गया जी, ये अभी की अभी बात याद हो गई, आप क्लियर हो गया? मदनी जो है वो सूरतें कम है और मक्की सूरतें जो है बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, अहले जन्नत अहले दोजख से पूछेंगे कि तुम्हें क्या चीज दोजख में लेके आई, तो दोजख में फेंके जाने वाले एक वजह बताएंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। आमिर मुख्तार साहब भी तशरीफ आए हुए हैं। डॉक्टर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी रही आपकी शादी? आपकी एक शादी तो डॉक्टर पहले हुई नहीं हुई थी, ये दूसरी है? आपने दूसरी शादी की है? आपको मुबारक हो। बिला शुबा आज के दौर में सुन्नत रसूल को जिंदा करना एक बहुत बड़ा काम है। आपके भाई की शादी थी आई थिंक, अल्लाह ताला की जात उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अच्छा जी, हमारे पास तो है बस इन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। अच्छा जी, कुछ लोग जो हैं वो तस्बीह पकड़ते हैं और वो घुमाना शुरू कर देते हैं पब्लिकली। इनमें हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी हुआ करते थे। ठीक है, मियाँ साहब से पूछा गया कि मियाँ साहब आप तस्बीह नहीं फेरते हैं, नहीं पढ़ते हैं? उन्होंने कहा मैं तस्बीह पढ़ता हूँ लेकिन मैं अकेले में पढ़ता हूँ, मैं सामने पढ़ूं तो मुझे नजर लग जाती है किसी की, इसलिए मैं तनाई में पढ़ता हूँ। तो जो लोग अभी नमाजों से गाफिल हैं, सूरह अल माऊन के अंदर हैं कि उनके लिए हलाकत है, नमाजें पढ़नी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अच्छा जी, कुरान की रोशनी के बाद जो है वो हदीस में आ जाएंगे, अस्सलात व अमादुद्दीन, के नमाज जो है वो, अच्छा माशाल्लाह मैंने कहा, नमाज जो है वो दीन का सतून है, जिसने नमाज छोड़ी उसने इस जो है वो सतून को गिरा दिया। ठीक है, बल्कि फरमाया कि जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। क्यामत के रोज सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जिस दीन में नमाज नहीं इसमें कोई भलाई नहीं, तो ये हमें पता चलता है कि हदीस की रोशनी में क्या इसकी जो है वो अहमियत है। नमाज बाद जमात की फजीलत क्या है? नमाज बाद जमात की जो है वो फजीलत बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला की जात फरमाते हैं अरकऊ मा राकीन, यानी कि रुकू करने वालों के साथ जो है वो झुको, उनके साथ रुकू करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाजमात नमाज अदा करने को 27 गुना जो है वो ज्यादा फजीलत दिया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुआशरे के अंदर एक बैलेंस से खुश जो है वो लाना चाहते थे, जिसमें दो ठंडी नमाजें, ठंडी नमाजें वो जब टेम्परेचर कम हो जाता है फजर और असर, पाबंदी से बाजमात अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जोर जोर देनी है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों पे वो अगर कहीं अकेली भी पढ़नी पड़ गई है तो इनको जो है वो पाबंदी से पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। अच्छा जी, हदीस शरीफ सुने जी, सही मुस्लिम की रवायत है, अगर तुम तन्हा अपनी नमाजों को घरों में पढ़ोगे तो नबी पाक के जारी किए हुए तरीके को छोड़ दोगे, और अगर तुम नबी के तरीके को छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, और मजदूरी के सिवा जमात छोड़ने वाला मुनाफिक है। हजरत उमर का फरमान लिखेंगे, हजरत उमर ने बताया था कि जनाब जिसने जो है नमाज को पाबंदी से कायम कर लिया उसके लिए सबके सब कामों में आसानी हो जाएगी, और जिसने इसको जाया किया उसने बड़े बड़े कामों को जाया किया। नमाज के कुछ इकसाम भी हैं, फर्ज, वाजिब, सुन्नत और नफल जो है। फर्ज नमाजें जो हैं वो पांच हैं, और फर्ज नमाजें जो हैं वो भी दो तरह से हैं, फर्ज ऐन और फर्ज कफाया जो है। फर्ज ऐन का मतलब ये है कि वो नमाज जो है जो इंफरादी फरीजा है जिसको पढ़ना ही पढ़ना, अगर आपने उसको अदा ना किया तो उसकी कोताही का गफलत का जिम्मा भी आपका ही होगा। फर्ज कफाया का मुस्लिम मुआशरे पर लाजमी फरीजा है, यानी कि चंद मुआशरे में से अफराद जो हैं वो भी नमाज अदा कर दें तो पूरा मुआशरा इससे बड़ी हो जाता है। जैसे जिन्हें सब ने एक वीडियो पोस्ट की थी कि दो दोस्त थे, वो कहते हैं जी हम नमाज जनाजा रह भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग जो है वो खत्म पे जरूर पहुंचते हैं। तो मेरे दोस्त ने जैसे मुझे फोन करके बताया कि खत्म पे जो है वो मैंने बीफ बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जरूर आया, और मैंने कहा कि ये मिस नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी मुआशरे के अंदर है कि वो समझते हैं कि फर्ज कफाया यानी पूरा मुआशरा इस फर्ज से बड़ी हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है इसे लाजमी देंगे। और ये मुख्तलिफ जो है वो मकतबा फिक्र के मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ के नजदीक खत्म बिल्कुल जायज नहीं है, कुछ के नजदीक बिल्कुल जायज है। तो ये उलमा कराम इस पर जो है वो मुख्तलिफ राय रखते हैं, हम किसी के ना तो हक में बात करेंगे ना मुखालफत में बात करेंगे, उलमा कराम के मुख्तलिफ राय हैं, ठीक है। उलमा कराम जो है वो इसके अलावा हमें ये भी बताते हैं कि आप लोगों ने कोशिश करनी है, जो अल्लाह ताला की जात के नेक बंदे हैं उनकी तो कोशिश ये होती है फिरका वारियत पे और इन चीजों पे ऊपर बात ना करें कि दीन के अंदर जो है वो इंतशार ना फैलाया जा सके। दीन के अंदर जो है वो जब इंतशार आता है वो इसी तरह से आता है कि जब हम अल्लाह के करने वाले काम खुद कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम जो है वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि जनाब ये वाला काम जो है वो नमाज तुम्हारी जो है वो कबूल नहीं हुई, तुम्हारी नमाज जो है वो कबूल क्यों नहीं हुई, क्योंकि जी हमारे बताए हुए तरीकेकार के ऊपर जो है वो आपने अमल नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक एक, एक बड़ा मसला है, और इसी वजह से मुसलमान जो है वो आपस में लड़ लड़ के मर जाता है। यकीन कीजिए कि अगर मुआशरा जो है वो तबाह हो जाता है तो उसकी बड़ी वजह एक जो है वो ये होती है कि जनाब लोग जो है वो अपने अपने मसलक जो हैं उनके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं, और उसके अलावा जो है वो वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे पास जो है यार कई हैं, इसके अलावा फर्ज कफाया जो है इसमें हमारे पास जहाद आ जाती है, ठीक है, जहाद में से कुछ लोग चले जाएं जहाद फी सबीलिल्लाह, बाकी जो है वो लोग ना भी जाएं तो भी चल जाता है। इसके अलावा कर्ज है किसी मुआशरे में किसी बंदे के ऊपर, तो अगर वो कर्ज जो है जब तक लोग अदा ना कर दें तो उस वक्त तक उसको जो है वो कर्ज माफ नहीं होता, ठीक है, वो भी हमारे पास जो है वो फर्ज कफाया में से कि किसी बस्ती की तरफ कर्ज है और वहां के लोग मर गए हैं या किसी इलाके ने कर्ज लेना है, तो इस्लाम के नजदीक तो अगर हमने इंटरनेशनल ये जो जो फंड हैं बड़े बड़े IMF हैं वर्ल्ड बैंक हैं इनके जो लोन देने हैं वो भी जो है वो माफ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी फर्ज कफाया है, जहाद भी इसी में आ जाती है। अब जी इसके नमाजों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है वो फराइज हैं, ठीक है,
जिस तरह से कुल रकतें जो हैं वो फजर के अंदर चार हैं, दो फर्ज हैं और दो आपको पता है कि दो पहले पढ़ने होते हैं, दो वाजिब हैं। जोहर है, जोहर के अंदर कुल रकतें 12 हैं, ठीक है, चार चार दो दो जो हैं। इसके अलावा असर में जो है वो 8 हैं, मगरिब में जो है वो 7 हैं, और ईशा में जो है वो 17 हैं, 3 वितर का इजाफा है। अब ये जनाब जो है नमाज है, एक हमारे पास फ्राइडे की प्रेयर है, फ्राइडे कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, एक ऐसी नमाज जो कि नमाज जुमा यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। ये सारे के खवातीन जो हैं वो इस नमाज को छोड़ सकती हैं और इसके बजाय सिर्फ नमाज जोहर अदा कर सकते हैं। नमाज जुमा में खुतबा भी होता है और खतीब जो है वो 2 रकत नमाज से पहले देता है, क्योंकि खुतबा के बगैर जो है वो नमाज जुमा नहीं होती है। तो ये जनाब है नमाज जो है वो जुमा की, और इसके अलावा नमाज जनाजा है। नमाज जनाजा जो है वो इसमें शिरकत करना फर्ज कफाया है। वही जो मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे कि किस तरह से फर्ज कफाया है, कुछ लोग शामिल हो जाएं तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। अच्छा जी, कुछ नमाजें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के लोग जो हैं वो उन्हें वाजिब तसव्वुर करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सुन्नत समझते हैं। नमाज वित्र जो है वो, नमाज वित्र जो है वो नमाज इशा के बाद पढ़ी जाती है। कुछ मुसलमान वित्र को वाजिब समझते हैं और कुछ उसे सुन्नत समझते हैं। तो ये मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के लोगों का मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट है। वो कुछ समझते हैं कि ये 1 से लेकर 13 तक किसी भी तादाद पे मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन अमूमन जो है वो वितर में 3 रकात पढ़ी जाती हैं, और ज्यादातर लोग तो वितर छोड़ के भी आ जाते हैं, वो समझते हैं कि खैर है। नमाज ईदैन जो है 2 दफा साल में होती है, ईद उल फितर और ईद उल अजहा जो है, ये 6 इजाफी तकरीबात के जो तकबीरात हैं उनके साथ 2 रकत पर मुश्तमिल होती है। इमाम साहब जो है वो कुछ तकबीरें कहते हैं और आखिर में जो है वो खुतबा देते हैं। आप जानते हैं ये सुबह से लेकर जो है ये दोपहर होने से पहले अदा की जा सकती है, और ये लोग कोशिश करते हैं कि 9 बजे से पहले पहले या 9:30 तक अदा हो सके। सुन्नत नमाजें जो है वो कौन कौन सी हैं? तो सुन्नत नमाजें वो हैं जो सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की थी। पहली जो है उसका नाम सुन्नत मौकदा है। मौकदा जो है उसका मतलब ये है कि आप जिसे मुकम्मल तौर पर खुद अदा किया करते थे, मुस्तकिल तौर पर, जिसे छोड़ा नहीं करते थे, मौकदा मुस्तकिल तौर पर, ठीक है। और मसलक के हनफी के मुताबिक अगर किसी ने सुन्नत मौकदा को छोड़ा तो वो गुनाह है। दूसरी है सुन्नत गैर मौकदा, जो जो आप मुस्तकिल तौर पर अदा नहीं करते थे, कभी करते थे कभी छोड़ देते थे, तो उसको जो है वो सभी मुत्तफिक हैं कि ये जो है वो छोड़ना गुनाह नहीं है। अब कौन कौन सी है जी सुन्नतें गैर मौकदा कौन कौन सी है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। नमाज तरावी जो है, नमाज तरावी एक ऐसी नमाज है जो सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन जो है वो मस्जिद में अदा की थी, बाद में इसलिए छोड़ दी थी मस्जिद में कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है जो अल्लाह तआला की जात जो है वो उन्हें ये फेल इतना पसंद आए, और ये भी लाजिम हो जाए और हमारे जो जो मेरे उम्मती हैं उन्हें फिर जो है वो मसाइल हो। नमाज तरावी सिर्फ रमजान में अदा की जाती है, ये इंफरादी तौर पर घर में मस्जिद या किसी भी जगह पर अदा की जा सकती है। अब यहाँ पे भी मुख्तलिफ जो है वो मकबा फिक्र के लोगों की मुख्तलिफ मुख्तलिफ ये तादाद है। अहले हदीस जो है वो 8 तरावी पढ़ते हैं, हम्बली 20, शाफी 20, मालिकी 20, कम अज कम ज्यादा से ज्यादा 36, और हनफी जो है वो 20 पढ़ते हैं। ज्यादातर इसमें 20 की तादाद देखते हैं, और अहले हदीस जो हैं ये 8 को ही जो है वो 20 के करीब ले जाते हैं, यानी कि उतनी ही लेंथ, सब कुछ उतना, लेकिन ये जो है वो 8 तरावी जो है वो पढ़ते हैं, 8 रकत की नमाज जो है वो पढ़ते हैं। इसके अलावा जी नवाफिल नमाजें हैं, नवाफिल नमाजें हमारे पास कौन कौन से हैं? इख्तियारी और रजा कराना नमाजें हैं, जब दिल चाहे, जब कोई चाहे, दिल चाहे नहीं जब कोई चाहे पढ़ सकता है। कुछ औकात ऐसे भी हैं जब नमाज नहीं पढ़नी, कोई भी नहीं पढ़ी जाती है, वो भी देखते हैं कौन से हैं। नवाफिल जो है वो कुर्बे इलाही का जरिया है। आपने देखा होगा कि हमारे प्लेयर जो है वो रिजवान साहब हैं, वो जब भी मोहम्मद रिजवान कोई सेंचुरी बना देता है या किसी मैच में जीतते हैं तो वहां पर 2 नफल अदा करते हैं। नवाफिल के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ शरायत और हालात हैं, मतलब इन्हें सूरज निकलते वक्त, दोपहर के वक्त,
गरूबे आफ्ताब के वक्त नहीं पढ़ा जा सकता। अब नवाफल कौन कौन से हैं? सलाते इशराक है, सलाते इशराक जो है वो क्या मकसद है? मकसद ये है कि जी अल्लाह ताला की रात जो इसे अदा करते हैं सलात इशराक को, उसे एक हज और एक उम्रा का सवाब जो है वो अदा करते हैं। दो दो रकत की सूरत में मैक्सिमम 12 रकत जो है वो पढ़ी जा सकती है, और सूरज निकलने के 20 से 45 मिनट के बाद जो है वो पढ़ी जा सकती है। हमारे एक जानने वाले थे बचपन में, मेरा ज्यादातर वक्त जो है वो हमारा फार्म हाउस होता था, वहां पे गुजरा था, तो वो माशाल्लाह से ये सलाते इशराक जो है वो पढ़ा करते थे बड़ी रेगुलरली जो है। लेकिन नमाज फजर पढ़ते थे, उसके बाद दूध में पानी मिलाया करते थे क्योंकि दूध बेचना होता था, और फिर जो है सलाते इशराक के लिए खड़े हो जाते थे और सलाते इशराक की जो है वो अदायगी किया करते थे। शायद शायद उन्हें लगता हो कि अल्लाह ताला की ज़ात इससे जो है वो पानी को एडजस्ट कर देंगे या कुछ ऐसा वैसा मामला हो, लेकिन ऐसा भी होता है। नमाज चाशत जो है, चाशत जो है वो जन्नत में आला मुकाम के हसूल के लिए होती है। ये भी दो दो रकात करके जो है वो 6 या 12 रकात पढ़ी जा सकती हैं। सूरज के एक तहाई हिस्सा के तलू से लेकर जो है वो जवाल तक जो है इसका टाइम लगता है। देखिए हमारे पास जो है वो ये दूसरी नमाज है। सलाते अदाबीन जो है ये 12 साल इबादत के इवज और जन्नत के हसूल के लिए है, कि ये जो अदा करेगा उससे 12 साल इबादत जो है अल्लाह ताला की जात बड़ी गफूर रहीम है, उसे इतना जो है वो लंबा अजर देते हैं। कम अज कम इसमें 6 जो है वो रकत होती हैं, 6 से 20 रकत होती है, और ये नमाज मगरब के बाद जो है वो अदा की जाती है। सलात तहज्जुद जो है 12 रकत है, दो दो चार चार रकत करके इनको अदा किया जा सकता है। इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले इसको जो है वो तहज्जुद को अदा किया जा सकता है। सलात तस्बीह जो है वो 4 रकत की होगी, और ये रोजाना या जुमा के दिन या हफ्ता वार या सालाना या जिंदगी में कम अज कम एक बार सलाते तस्बीह 4 रकतें होती हैं कि आप अपने गुनाहों की माफी जो है वो मांग सको। इसी तरह से हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ नमाजें हैं और इनकी जो है वो मुख्तलिफ तफसीलात हैं। मिसाल के तौर पर इस्तहारा है, ये आप देखिए जरा किसी मामले पर रहनुमाई करने के लिए। आपने देखा है कि अक्सर औकात जब किसी को ना करनी हो रिश्ते के मामला में, तो हम ये कहते हैं जी इस्तहारा ठीक नहीं आया। तो अमूमन मैं कहा करता हूँ कि वो इस्तखारा जो होता है वो आपकी नाकामियों का इस्तखारा होता है। अगर आप एक कामयाब लोग बंदे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी सेटल्ड है, तो यकीन कीजिए कि इस्तखारा के चांसेस बड़े कम होते हैं कि वो खराब आएगा, वरना इस्तखारा जो है वो कभी ठीक ही नहीं आता। तो वो कहते हैं इस्तखारा ठीक नहीं आया, तो किसी मामले पर रहनुमाई हासिल करने के लिए इसमें अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सोने से पहले जो है जब इसे अदा किया जाता है और सोते हुए ख्वाब में इशारा कर दिया जाता है, इशारा हो जाता है, पता लग जाता है कि जनाब ये काम करना है या नहीं करना। तो जब आपने जो है वो जिंदगी में नाकामियों का बोझ अपने कंधों पर उठाया हो, तो आपके लिए कभी इस्तखारा ठीक नहीं आएगा। जब आपने जो है CSS PMS को कर लिया हो, क्रैक कर लिया हो, गुजर गए हो, तो फिर देखिएगा ना सिर्फ इस्तखारे ठीक आएंगे बल्कि जो है वो सारे के सारे मामला, जात, नस्ल, रंग सब कुछ खत्म हो जाता है, एडजस्ट हो जाते हैं। जिंदगी जो है वो इसमें याद रखिएगा, जो वक्त होता है वो बड़ा कीमती होता है। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि लोग आपकी तभी रिस्पेक्ट ऑनर करेंगे, असल में आपकी रिस्पेक्ट ऑनर कोई नहीं है, आपके स्टेटस की रिस्पेक्ट ऑनर है, आपके जो है वो वकार जो है वो आपके अपने स्टेटस का होता है। हम लोग जो है वो 18 स्केल में है। मैं जानता हूँ कि जो नायब कासद हैं वो भी हमारे ही हमसे उम्र में बड़े होते हैं, लेकिन उनको जो है वो कॉलेज में कोई भी जो है उनके सीधे नाम तक जो है वो लेके नहीं बुलाता। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की, टीचिंग स्टाफ की, और दूसरा जो है वो अगर कोई सदीक है तो सदीकू हो जाएगा, अगर कोई अशरफ है तो अच्छू हो जाएगा, ठीक है, अगर जो है वो कोई नदीम है तो वो दीमा हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से सब बुलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके नाम के साथ 17-18 स्केल लग जाते हैं, तो फिर आपको जो है वो सारे साहब कह के बुलाएंगे, फिर आपके पास जो है वो पावर्स भी आ जाती हैं, फिर डिपार्टमेंट भी रिस्पेक्ट करेगा, फिर आपको हैवी सैलरीज भी पे करेगा, फिर आप अपनी मर्जी के बादशाह भी हैं, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ जो मर्जी करो कोई कुछ नहीं कह सकता। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक नमाज सहारा से, तो ये सहारा जो है वो रहनुमाई हासिल करने के लिए। सलात हाजत जो है वो अल्लाह से किसी हाजत के हसूल के लिए
सलाते तोबा जो है वो गुनाहों की माफी के हसूल के लिए, तहियतुल वजू जो है वो जन्नत में आला मुकाम के लिए, तहियतुल मस्जिद जो है वो सुन्नत हक मस्जिद है, कि मस्जिद में दाखिल होते हुए कुछ लोग जो है वो तहियतुल मस्जिद जो है वो अदा करते हैं। सलातुल खौफ जो है जंग या किसी और जगह पे अल्लाह ताला की नुसरत हासिल करने के लिए, सलात खसूफ जो है वो खुदा की मदद के लिए खुद, और सलात कसूफ जो है वो हमारे पास खुदाई मदद के हसूल के लिए, सलात खसूफ खे से जो है वो चांद ग्रहण के वक्त जो है वो पढ़ी जाती है, कसूफ के से जो है वो सूरज ग्रहण के लिए जो है वो पढ़ी जाती है, और सलात इस तस्का जो है ये बारिश के नजूल के लिए, जब खुशहाली जो है वो कम हो जाए और खुशखसाली भर जाए तब जो है वो अदा की जाती है। ये मुख्तलिफ नमाजें हैं, इनमें से अगर कम से कम जो है वो 5-7 भी याद रह जाती हैं तो मोर देन इनफ। नमाज के रूहानी असरात क्या हैं? पहली बात तो ये है कि आपका राबता जो है वो अल्लाह सुबहाना व तआला की जात से सवार हो जाता है, पांचों वक्त जो है वो अल्लाह तआला की हजूर पेश होने से, इबादत करने से आप जो है वो बहुत सी चीजें सीखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई नमाज पढ़ता है तो अपने रब से चुपके चुपके बातें करता है, इंसान की मगफिरत हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफा सहाबा किराम के सामने एक दरख्त की शाख की डली को हिलाते हैं और फरमाया, जब बंदा जो है नमाज पढ़ता है तो उसे इस तरह से जो है वो गुनाह झड़ते हैं कि जब हमारे पास जो है ये दरख्त जो है वो पत्ते झड़ रहे होते हैं। हजरत सलमान फारसी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो पास करे थे, आपने इनसे फरमाया कि जब एक मुसलमान जो है वो अच्छी तरह वजू करके 5 नमाजें जो है वो पढ़ता है तो उसके गुनाह भी इस तरह से झड़ जाते हैं जिस तरह से जो है ये पत्ते जो है वो झड़ते हैं। इससे पता चलता है कि जो नमाज है उसके कितने फवायद हैं, और आजकल तो लोग जो है वो नमाजों को पढ़ना तो दूर की बात जो है वो सारी की सारी चीजें जो है उनको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, सवाल है जी, सर वाजिब और नफल नमाज में क्या फर्क है? अच्छा जी, जो दीन है, दीन के अंदर जो हुक्म दिए गए हैं वो दो तरह के हैं, एक फर्ज है और एक नवाफल है। ठीक है, तो नफल तो मैंने बता दिया वो है कि जिनसे, बल्कि मैं बता देता हूँ आपको कि जिन अहकाम की अदम तमीज जो है वो हम करते हैं, ठीक है, नमाज है वो फर्ज है, इनकी जो है वो तामील पे सवाब है, अदम तामील पे जो है वो हमारे पास जो है वो गुनाह है, वो हमारे पास जो है वो लाजिम है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है वो फजर की नमाज है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वो मजूम है। नवाफिल जो है ये इसमें जो है वो मुख्तलिफ उलमा कराम की मुख्तलिफ तकसीम, एहनाफ जो है वो इसमें इसकी तकसीम को सुन्नत कहते हैं, फर्ज और जो हमारे पास फर्ज तो फर्ज हो गए वाजिब। कुछ लोग कहते हैं कि फर्ज और वाजिब दोनों एक ही चीज है, ठीक है, फर्ज और वाजिब दोनों एक ही चीज का नाम है, यानी कि जो चीज वाजिब है वो आप अपने लिए फर्ज समझें, ठीक है, फर्ज समझें। मिसाल के तौर पर वाजिब में से एक वितर की नमाज वाजिब है, कुछ लोग ये समझते हैं कि वितर की नमाज जो है वो पढ़ना फर्ज है उसे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये वाजिब है पढ़ें तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो नफल की तरह ये वाजिब है। वाजिब को मुख्तलिफ उलमा के नाम मुख्तलिफ नजर से देखते हैं, कुछ इसे फर्ज के बराबर का दर्जा देते हैं और कुछ इसे जो है वो नफल का दर्जा देते हैं। आई एम श्योर आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा जी, नमाज जो है वो रोकती है बुराइयों से, इरशादे रब्बानी है इन सलात तनहा अन फहाशिय, तो वो नमाज जो है वो बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। इसके अलावा आपकी जो रूह है उसकी जनाब एक बहुत बड़ी वजह है, रूहानी वजह है। नमाज के अखलाकियाती जो है वो असरात क्या होते हैं? नमाज का इरादा करने पर भी एक नेकी मिलती है, रूह की तरबियत होती है, इस्लामी मुआशरा जो है वो परवान चढ़ता है, आगे जो है वो बढ़ता है, फर्ज शनासी का जज्बा पैदा होता है, पाकिजगी और तहारत जो है वो इंसान हासिल करता है, हर वक्त पाक साफ रहता है, एहसास जिम्मेदारी पैदा होती है, नज्म व जब्त जो है वो मजबूत होता है, इसके साथ साथ जो है वो और बाहमी दुख दर्द और खुशियों में इंसान शरीक होता है, दूसरों को पता चलता है किस किस का क्या मसला है, बाहमी मसावात बढ़ती है, अताते अमीर का तसव्वुर होता है, और सबके सब लोग जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। ये हमारे पास था नमाज।
अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो ज़कात है, काफी इम्पोर्टेंट है जी। ज़कात क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, उसी तरह से ज़कात के लफ्ज़ी मानी पुराने अहकाम, ज़कात की अहमियत हदीस में, फर्जियत, निसाब और शरह मसाले से ज़कात, इस्लामी रियासत में ज़कात का किरदार लिखेंगे। ज़कात भी इस्लाम का एक अहम रुकन है, ये लाजिम है, और ये हमारे पास जो है हर साहिबे ज़कात जो है वो उसके ऊपर ये फर्ज है। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तो मुनकरीन ज़कात के खिलाफ के दिनों ने ये कहा कि हमने ज़कात नहीं देनी, उनके खिलाफ जहाद का हुक्म दिया। ये वो लोग थे जो बाकी चार अरकान को मानते थे। हदीस पाक में भी ज़कात अदा करने की ताकीद की गई और ज़कात ना देने वालों के लिए खौफनाक दर्दनाक अजाब की वही सुनाई। अल्लाह तआला की जात ने भी फरमाया, अहादीस में भी है, कि जिसने ज़कात ना दी वो उसके लिए माल उसके लिए एक अजाब बन गई। ज़कात के लिए जो है जनाब मुख्तलिफ जो है हमारे पास जो है वो फिरके मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। अहले तशी समझते हैं कि उनको ज़कात की अदायगी नहीं करनी है, उनकी ज़कात की अदायगी जो है वो उनके ऊपर लाजिम नहीं है। बाकी मुसलमानों पर ज्यादातर फिरके जो है वो इस लाजमी रुकन को तस्लीम करते हैं और इसको मानते हैं। ज़कात के लफ्ज़ी मायने होते हैं जी पाक करना, अपने माल को पाक करना, उसकी अफ़्ज़ाइश करना। तो ज़कात से मुराद ये है कि आपके पास जो है कुछ पैसा पड़ा हुआ है जो कि मुकर्रर हद से ज्यादा है, मुकर्रर हद से ज्यादा है तो उससे जो है वो आपसे वसूल किया जाता है और उसे खर्च किया जाता है लोगों पे, गरीब लोगों पे। इस्लामी ममालिक के अंदर जो है रियासत जो है उसको खुद ही ये काम करते हैं, और वो ये काम ये करते हैं कि वो बैंकों से पैसे काट लेते हैं और खुद ही जो है वो लोगों के अंदर तकसीम कर देते हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में यकीनन बैंक को देना एक, क्योंकि बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देना होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो पैसा मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन को देना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन जो है वो उसमें वो पैसा लगाना होता है, जो कि एक इंतहाई खतरनाक सी सूरत हाल होती है, बजाय इसके कि उनको देने के आप जो है वो किसी इंतहाई ट्रस्टेड या वेरीफाइड पर्सन या इदारे को सबमिट करवाएं या खुद जो है वो तकसीम करें। ज़कात के बारे में पुरानी अहकाम क्या है, वाकिमुस्सलात, इसमें जी इस आयत में सूरह बकरा की आयत नंबर 43 में तीन चीजों के बारे में, तीन टॉपिक्स के बारे में आपको आयात मिल जाएंगे। सलात नमाज का टॉपिक आएगा वहां पे, जुकात का आएगा जुकात पे, फर्ज का उमर राखें और रुकू करने वालों के साथ में रुकू करो। फिर जी बाकी रसूल के पस नमाज कायम करो और अदा करो जुकात और अतायत करो रसूल की। फिर जी हमारे पास ये वो लोग हैं कि जिनके मालों में हाजतमंदों और नादरों के लिए सलाम मुकर्रर है। ये कुरान पाक से जो है वो हमें इस तरह अपना मिलते हैं। अब जी इसके हदीस में जो है वो क्या जिक्र आया है, हदीस में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक अराबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मुझे सिर्फ आप वो अमल बता दें जो मैं करूँ तो जन्नत में दाखिल हो। आपने उसे कुछ अमल फरमाए, कहा कि अल्लाह की इबादत कर, पहला अमल तो ये करके अल्लाह की इबादत कर, फिर किसी के साथ शरीक ना ठहरा, तू फर्ज नमाज अदा कर, तू फर्ज ज़कात दे और रमजान के रोजे रख। ऐसे अराबी ने कहा मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं इससे कुछ भी ज्यादा नहीं करूंगा। जब आदमी चला गया तो दूसरा फरमाया कि अगर किसी ने जन्नत वालों में से किसी को देखना है तो इसे देख। तो ये ज़कात की अहमियत है हदीस की रोशनी में। हजरत जुरैर बिन इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने ज़ुल्फ़िकार अलैहि वसल्लम से नमाज अदा करने, ज़कात देने और हर मुसलमान का खैर ख्वाह रहने पर जो है बैत की, मैं सबका खैर ख्वाह रहूँ। हजरत अबू हुरैरा से ही जो है वो रवायत है, हजूर पाक ने फरमाया जब तूने अपने माल की ज़कात अदा की तो तूने अपना फर्ज पूरा कर दिया। ज़कात जो है उसकी फर्जियत जो है वो किस पे फर्ज किस पे है, ज़कात हर आकिल यानी कि जो अक्ल रखने वाला है, जो पागल बंदा है उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। तो इस कैटेगरी में आप ये ना समझें कि पाकिस्तानियों को माफ हो जाती है, तो पहाड़ आके अकल वाले बालिग 18 प्लस जो है उससे ऊपर जो है वो ज़कात फर्ज है।
जो मुकर्रा माल का मालिक हो, दूसरी शर्त ये है कि उसका अच्छा खासा जो है वो माल उसके पास हो, इस माल पर उसको तसर्रुफ हासिल हो, यानी कि वो इस माल को जब चाहे खर्च कर सकता हो और एक साल गुजर गया हो, और इस माल में नमू यानी बढ़ने की सलाहियत हो, ये बढ़ सकता हो। अब ये कितना से होगा, सोना चांदी पे क्या है, सोने का निसाब 7.5 तोले है, अमूमन खवातीन के पास ज्यादा सोना होता है, तो 7.5 तोले जो है, क्योंकि मर्दों पे तो सोना हराम है, लेकिन पाकिस्तानी खवातीन उन्हें सोना सोने भी नहीं देती हैं, और ये सोना हमारी गवर्नमेंट ने तो खवातीन पे भी अब हराम कर दिया, तो 7.5 तोले से ज्यादा अगर होगा तो फिर जो है वो जनाब ज़कात फर्ज है। चांदी 52.5 तोला और ज़कात की जो शरह है वो 2.5 फीसद है। जेवरात जो है वो जब पड़े हैं तो उन पे भी ज़कात लगेगी। रुपया पैसा या माल तजारत अगर कोई 7.5 तोले 52 तोले के बराबर हो तो इसकी कीमत लगाकर 2.5 फीसद से जो है वो ज्यादा वो उस पर ज़कात हो। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने जो है वो मवेशी रखे होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उसके पास ऊँट है, 5 अदद है, 4 ऊँट होंगे तो कोई ज़कात नहीं है, 5 ऊँट है तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात है, ठीक है। इस तरह से अगर किसी के पास गायें भैंस है और वो 30 से ज्यादा है, 30 हैं या 30 से ज्यादा है तो उस पर ज़कात हो। इस तरह से किसी के पास बकरियां हैं, 40 हैं, 40 से ज्यादा है, तो उस पर भी ज़कात जो है वो लाजिम होगी, चाहे फिर वो पहाड़ी बकरियां ही क्यों ना हो। इसी तरह से जरी पैदावार है, तो जरी पैदावार जो है वो ज़कात उस पर भी आयद होती है। जरी पैदावार पर जो ज़कात होती है उसे उशर कहते हैं, उशर के मानी है 10वां हिस्सा। अगर जो है वो किसी जमीन पर बारिश या सैलाब या कुदरती नाले से पानी लगता है तो उसकी शरह 10 फीसद है, और अगर कुएं या ट्यूबवेल या किसी मस्नूई तरीके से लगता है तो उसकी शरह 5 फीसद, यानी कि 20वां हिस्सा जो है वो। ये हमारे पास ज़कात के जो है वो मुख्तलिफ इसके निसाब है, शरह है कि कितनी शरह से जो है वो ज़कात काटी जाएगी। तो हमारे पास जो है वो जी उनकी कीमत का जो है वो 2.5 फीसद जो है वो होगा। मुसारिफ कौन कौन से हैं ज़कात, यानी कि कलेक्ट तो कर ली, अब खर्च कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो इनको खर्च करने के लिए हमें कुरान पाक की आयत सूरह तौबा गाइड करती है कि ये सदकात तो फकीरों के लिए, मस्किनों के लिए हैं, और इन लोगों के लिए जो ज़कात के काम पर मामूर हैं, तलीफे कल्ब के लिए, गर्दनों को छुड़वाने के लिए, कर्जदारों के लिए, और राह खुदा में मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल होने के लिए। अब ये क्या क्या होते हैं? फुकरा, फुकरा जी फकीर की जमा है, ये वो मांगने वाले फकीर नहीं है, ये ऐसा कि जिस तरह से कोई बंदा किसी मौजी मर्ज में मुबतला हो और उसके इलाज के लिए पैसा ना हो तो ज़कात का पैसा उधर लगाया जा सकता है। मसकीन, मसकीन का मतलब ये है एक ऐसा शख्स जो कि काम ना कर सकता हो लेकिन इज्जत नफ्स का ख्याल करता हो और किसी से जो है वो मांगता जो है वो मांगे नहीं। ऐसे आजकल हालात वाकयात होते हैं, हमारे पास अक्सर केसेस आ जाते हैं, जो कुछ ही दिन पहले एक ऐसे मशकीन का केस था और वापडा वालों ने उनको जो है वो कोई 30-35 हज़ार के करीब बिल भेज दिया हुआ था, बट शतरंज के 2-3 जो है वो उनके घर में इलेक्ट्रिक चीजें थी, बट उनका 2 माह का बिल इतना आया हुआ था, तो ऐसे लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आमिलीन वो लोग जो कि ज़कात का पैसा इकट्ठा करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, उनकी तनख्वाहें भी तो अदा करनी है, वो आमिलीन होते हैं। मौलफितुल कलूब हैं, मौलफितुल कलूब का मतलब है कोई नया नया जो जो लोग हैं इस्लाम कबूल करते हैं, तो आपको पता है कि फिर उनका मुआशरा उनका बाइकआउट कर देता है अगर, तो उनकी जो है वो दिलजोई की जाए, ठीक है। अगर वो अमीर हैं गरीब हैं तो उनके ऊपर भी ज़कात का पैसा जो है वो लगाया जा सकता है। फिर रकाब के अगर जो है वो पुराने जमाने में था कि कहीं से गुलाम जो है वो खरीद के आज़ाद किए जा सकते हैं, गाज़मीन जो है गाज़मीन किसी की जमानत या मकरूज जो है कोई अपना कर्ज अदा करने से कासिर हो उसको जो है वो कर्ज अदा किया जा सकता है। फी सबीलिल्लाह अल्लाह तआला के रास्ते में कोई बेचारे लोग जिहाद करने वाले हैं, नादिर तालिब इलम है जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए इब्न सबील मुसाफिर के लिए, यानी कि कोई हाल पे सफर में था, घर से दूर था, उसकी चीजें उसके पास नहीं है, तो वो जी इब्न सबील पे भी ये खर्च किया जा सकता है।
यहाँ तक जी मसारिफ तक करते हैं, बाकी कल जो है वो फिर हम अदायगी जुकात पे चलेंगे कि अदायगी कैसे कैसे जो है वो करनी है, किस किस से करनी है। ख्याल रखिएगा जी अपना, कल की क्लास में मुलाकात होती है। खुदा।